भूल जाते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन मैदान महशर होगा, नसीब का आलम होगा, ऐसे वक्त में लाखों करोड़ अरबों आपकी उम्मती होंगे, ऐसे वक्त में अगर हम ढूंढना चाहेंगे, आपका ज़ियारत करना चाहेंगे तो कैसे ज़ियारत करेंगे। अल्लाह अकबर, हजरत आका अलैहि सलातो तस्लीम रहमत कामिला इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस सुनो, अगर तुम मैदान महशर में मुझे ढूंढने की कोशिश करना तो ऐसे वक्त में मुझे हौसले कौसर के पास अगर मीजान के पास ना मिले तो कहाँ मिलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर मीजान के पास ना मिलो तो पुरसरात के पास आ जाना। कहने का मतलब यह है, अगर पूरे मैदान महशर में किसी की जलवागरी होगी तो रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होगी। इसका मतलब यह है, हजरत अनस से आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर ना मिलूं तो हौज़े कौसर पर मिल लेना, अगर वहां ना मिलूं तो मीजान के पास मिल लेना, अगर वहां ना मिलूं तो कुरसरात पर मिल लेना। इसका मतलब यह होता है कि आका अलैहि सलातो तस्लीम हम जैसे गुनहगार, हम जैसे सियाकार उम्मती के लिए कभी हौज़े कौसर पर पानी पिला रहे होंगे, हमसे कौसर का जाम पिला रहे होंगे। अगर वहां पर आका अली सलातो तस्लीम जब अपने उम्मतियों को देखेंगे कि उम्मती गुनाहों के बोझ से परेशान है, तो मीजान में खड़े होकर के उस गुनाहों की, उस खताओं की, नेकी के पल्ले को और भी उसमें से अपने दरूद सलाम के सदके में उन तमाम चीजों को भारी कर देंगे। अल्लाह अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान महशर होगा वो पुरसरात का रास्ता तो तलवार से भी ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, तो हमारी ये उम्मती कैसे वहां से गुजरेगी। अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में आका अली सलातो तस्लीम पुरसरात के रास्ते से हम उम्मतियों को गुजारेंगे। अल्लाह अकबर, मैदान महशर है, आका अलैहि सलातो तस्लीम इस मैदान महशर में आपने आखिरी खुतबा दिया कि नहीं, है कि नहीं, क्या पैगाम दिया लोगों को, तो कहाँ से चले थे, मदीने के रसूल से चले थे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच रहे हैं, कबो बैस 1,00,000 से ज्यादा सहाबे किराम होते हैं, ऐसे वक्त में ना क्या थे, बसे थे ना कोई रास्ता था। अल्लाह अकबर, सहाबे किराम कैसे मक्कतुल मक्का मदीने तो तैयबा से यहाँ पर पहुँचे हैं और कितनी तकलीफों को झेल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आका अलैहि सलातो तस्लीम जब इस मैदान महशर में पहुँचते हैं, तमाम लोगों को ये पैगाम देते हैं। अल्लाह अकबर, पैगाम क्या था, आज के बाद किसी गरीब को अमीर पर कोई फौकियत नहीं होगी, किसी अरबी को अजमी पर फौकियत ना होगी। कहने का मतलब यह है कि आका अलैहि सलातो तस्लीम इसी मैदान महशर में खड़े होकर के तमाम इस्लाम के कानून और सब जाते को तमाम लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, आज हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हमें, हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि तमाम मुसलमान अपने आपस में भाई भाई हैं, हम ये फर्क का देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मालदार है, ये है, वो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने इन तमाम फरके को खत्म कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये जबल रहमत है, इसको जबल रहमत क्यों कहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे गौर तो कीजिए, जबल रहमत यानी रहमत वाला जबल पहाड़ है कि नहीं, क्यों कहते हैं मालूम है, बताइए क्यों कहते हैं, कहते इसलिए है, आपको मालूम है सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहि सलातो तस्लीम को, और हजरत आदम अलैहि सलातो तस्लीम के बाएं पसली से किसको पैदा किया गया, हजरत हव्वा को, और पैदा करने के बाद दोनों को कहाँ रखा गया, हिंदुस्तान में, जन्नत में, अरे जन्नत में पहले रखे ना भाई, है ना, तो सबसे पहले हजरत आदम और हव्वा को कहाँ पर रखे, जन्नत में रखा, और जन्नत में रखने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और हव्वा को कहा गया कि हर जगह, कहाँ पर, जन्नत के हर गली में जाना, हर कोचे में जाना, हर गली कोचे में घूमना, हर बागो बहार में घूमना, लेकिन इस जगह पर नहाना कहाँ पर, उस जगह का गेहूं मत खाना, है कि नहीं। बिलाखिर एक दिन ऐसा होता है कि मुख्तसर यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम वहां पर आते हैं और गेहूं के चंदे दाने आप खा लेते हैं, और उस खता की वजह से अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को कहां पर उतारते हैं, श्रीलंका में, और हव्वा को कहां पर, जद्दा में। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस जुदाई और उस खता की वजह से हजारों साल, लाखों साल रोते रहे। वाकया बताया जाता है, वाकया यहां तक लिखता है कि जितने, अगर पूरी दुनिया के लोगों के आंसू एक तरफ रखा जाए और हजरत आदम के आंसू को एक तरफ रखा जाए, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर,
خطا کی وجہ سے اتنے سالوں سال روتے رہے ہیں, ہم ہزاروں خطا کر دیتے ہیں, ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو کے قطرے نہیں نکلتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو, بالآخر ہزاروں سال روتے رہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم, بالآخر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ آخر میں کون سی شے ہے جس کے صدقے میں دعا کروں. تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ماں حوا, جہاں پر دونوں آدمی آپس میں ملتے ہیں, اسی جبل رحمت پہ ملتے ہیں اور یہیں پر آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے. اس لیے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر ملے, اس لیے اس کو جبل رحمت کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس میدان محشر میں رہ کر کے آپ دعا کریں, اور حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب اور مزمل صاحب اور ہمارے نور بھائی یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر کرے, ان کی آخرت بھی بہتر کرے, ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے, ان کے صدقے میں اور ان لوگوں کے دعاؤں کے صدقے میں, آپ کی دعاؤں کے صدقے میں البدر کو تو اللہ